गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधियां की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आज की विधि है प्रासंगिक बालक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। इसका इंग्लिश में जो नाम है इसे इंग्लिश में चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट यानी CAT, CAT परीक्षण भी इसे कहते हैं। इस परीक्षण का विकास या जो डेवलपमेंट है इस परीक्षण का विकास सन 1948 ईस्वी में डॉक्टर लियोपोल्ड बैलक ने किया। तो इस प्रकार जिस पहले हमने इससे पूर्व के वीडियो में TAT यानी थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के बारे में स्टडी किया तो उस वीडियो के अंतर्गत हम 30 कार्डों में से 20 कार्डों का प्रयोग करते थे और उन कार्ड्स को हम 14 वर्ष से ऊपर के बालकों पर अप्लाई करते थे यानी ऐसे व्यक्ति जो वयस्क है प्रौढ़ है उनके ऊपर हम अप्लाई करते थे। लेकिन ये जो बालक महोदय हैं इन्होंने बालकों के लिए इस टेस्ट को डेवलप किया। तो इस टेस्ट के अंतर्गत 3 से लेकर 10 साल तक के बालकों पर या बालकों हेतु इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और इस परीक्षण के द्वारा भी हम बालकों के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं यानी बालकों के व्यक्तित्व एवं गुणों का परीक्षण करते हैं। व्यक्तित्व के गुण एवं या गुणों एवं विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब इसके अंतर्गत परीक्षण किया, अब इस टेस्ट को कैसे किस जो इसकी सामग्री है वो परीक्षण की सामग्री क्या है। तो परीक्षण की सामग्री में इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं और इन दस कार्ड्स के ऊपर जो है जानवरों के चित्र बने रहते हैं, जानवरों के चित्र। अब जानवरों के चित्र बने होते हैं और इनमें जो जानवरों के जीवन की
विभिन्न परिस्थितियों परिस्थितियों का चित्रण होता है, चित्रण होता है यानी इन दास कार्ड के अंदर जानवरों के चित्र होते हैं और इनमें जानवरों के जीवन से जुड़े हुए जो भी परिस्थितियां होती है वो उनसे रिलेटेड ये चित्र बने होते हैं। जैसे जानवर अपने झुंड में चल रहे हो, घास खा रहे हो, शिकार कर रहे हो, या जो फीमेल जो एनिमल है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, उनका देख रेख कर रही हो, उन्हें चाट रही हो, उन्हें दुलार कर रही हो, तो इस तरह से कई उनकी जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हैं उनका चित्रण इन 10 कार्ड्स के अंतर्गत किया जाता है। और इन चित्रों को देख करके या इन ये जो चित्र हैं या जो कार्ड्स हैं जो हम इस परीक्षण में प्रयोग में लाते हैं, तो इन कार्ड्स को देख करके जो बालक है देख करके बालक कोई ना कोई कोई कहानी की रचना करता है। क्योंकि इन जानवरों के जो जीवन की परिस्थितियां हैं उसको देख करके उन चित्रों के माध्यम से बालक के जो अचेतन मन है उसके अंदर कोई ना कोई कहानी ऐसी जो उस रिलेटेड चित्र से संबंधित होती है उस कहानी की वो रचना करता है। अब ये जो CAT टेस्ट है, इस टेस्ट का हम प्रशासन किस प्रकार से करेंगे, तो अब हम अब आता है CAT का प्रशासन, यानी हम इसे बच्चों पर किस प्रकार से अप्लाई करेंगे जो कि 3 से 10 वर्ष की उम्र के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, बालकों को एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से बिठा दे और उन्हें अपने विश्वास में लिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो एक जगह पर बिल्कुल डिसिप्लिन पूर्वक नहीं बैठ सकते और उनका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। वैसे बच्चे टेस्ट को लेकर के एक बहुत ज्यादा फोबिया भी उनमें होता है, लेकिन इस टेस्ट को लेकर के भाई तुम्हारे अंदर क्या एक तरह से पॉजिटिव थिंग्स है, तुम्हारे क्या गुण है, तुम्हारी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे, तो तुम बिल्कुल शांत रहिएगा और जो भी हमें हम आपको कार्ड्स दिखाएंगे उन कार्ड्स के माध्यम से आपको जो भी स्टोरी आपके माइंड में आ रही है आप उन्हें वो लिखेंगे। तो इस प्रकार से पूर्व में ही उन कार्ड से संबंधित दिशा निर्देश भी देने हैं और उनको अपने विश्वास में लेकर के इस परीक्षण को अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अब बालक को एक एक कार्ड दिखाया जाता है, यानी उसको ये कार्ड्स दिखाए जाते हैं। अब बालक उन कार्ड्स को देख करके के
कहानियां या हम कह सकते हैं कहानियों की रचना करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षक को ध्यान रखना चाहिए इसमें चाहिए कि परीक्षण के समय बालक बोझिल ना हो, यानी एग्जाम का जो फोबिया होता है, डर होता है, स्ट्रेस होती है, तो उससे एक बोझ ना समझे कि एक ऐसे ही सर तो टेस्ट ले रहे हैं। तो बालक बोझिल ना हो बल्कि इस परीक्षण को खेल के तरीके से खेलते हुए मनोरंजन के साथ कहानियों की रचना करें। तो इस बात का परीक्षक को क्या है ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इस CAT परीक्षण का प्रयोग, क्योंकि बच्चे इस प्रकार से चंचल होते हैं, उन्हें एक जगह अनुशासित रूप से बिठाए रखना भी बहुत मुश्किल का कार्य होता है, लेकिन जब खेल के माध्यम से इस परीक्षण को लेते हैं और बच्चे देख करके उसमें अंदर से जो भी उनकी मन में कहानी आती है जानवरों के चित्र देख करके, तो वो उन कहानियों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से CAT जो परीक्षण है, इसके अंतर्गत हम इस टेस्ट का प्रशासन इस प्रकार से करेंगे। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इस परीक्षण का जो प्रशासन है, विश्लेषण प्रशासन के आधार पर जो हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और साथ ही इसकी जो व्याख्या होगी वो किस प्रकार से करेंगे उसकी हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नाउ आज का जो असाइनमेंट है आपका, वो असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि CAT परीक्षण का परिचय सामग्री तथा प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। और साथ ही इस कोरोना महामारी के अंदर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का फॉलो करना है, उनका पालन करने के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।